ये पानी मिला हमें, दिस इज द बेस्ट वी कुड फाइंड, दिस इज मडी एंड डर्टी। At this moment, we're pretty deep into the forest. We're deep into the forest, और यहाँ पे अक्सर लोग गुम जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मैड एडवेंचर। आज के एपिसोड थोड़ी स्पेशल है। आज के एडवेंचर में हम आप लोगों को सिखाएंगे द बेसिक्स ऑफ सर्वाइवल, और इस चीज़ में मुझे कंपनी करेंगे हमारे सर्वाइवल एक्सपर्ट विद हिज टीम मिस्टर अनीस। ये एपिसोड के लिए हमने जो जगह सेलेक्ट की है वो है उशू फॉरेस्ट। इट्स इन द हार्ट ऑफ कलाम वैली, और इस जगह की खासियत ये है कि एक्चुअली इस फॉरेस्ट के अंदर आप लोग घूम सकते हैं, जो कि हमारे साथ और मेरी टीम के साथ ऑन द वे हुआ भी है। वैसे तो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये उशू फॉरेस्ट डेवलप हो चुका हुआ है। फॉर द फर्स्ट फ्यू किलोमीटर्स आपको नजर आएगा कि उशू फॉरेस्ट में काफ़ी टूरिस्ट आते हैं जो कि कैंपिंग वगैरह करते हैं, बट वी आर एक्चुअली 3-4 किलोमीटर्स डीप इनटू द फॉरेस्ट, जहाँ पे हम एक्चुअली प्रैक्टिकली जो है हमारी बेसिक सर्वाइवल जो चीज़ें हैं उनको प्रैक्टिस कर सकें। सो ओवर टू यू मिस्टर अनीस। थैंक यू वेरी मच शमाद। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिकली सर्वाइवल के बारे में बता दूँ कि वॉट इज सर्वाइवल। सर्वाइवल इज बेसिकली द आर्ट ऑफ लिविंग इन एक्सट्रीम कंडीशन अंडर एडवर्स एनवायरमेंट। जो सर्वाइवल के प्रिंसिपल्स हैं वो इसके नाम में ही मौजूद हैं। सर्वाइवल स्टार्ट विद द एस। एस स्टैंड्स फॉर साइज ऑफ द सिचुएशन। जब भी आपकी ऐसे एडवर्स कंडीशंस में आप आ जाएं, ज़्यादातर हमारे ट्रैकर्स हाइकर जो कि नदन एरियाज में जाते हैं हाइकिंग ट्रैकिंग के लिए, नॉर्मली वो डिट्रैक हो जाते हैं, अपनी टीम से अलग हो जाते हैं, या लेट्स से वो सोलो परफॉर्म कर रहे हैं, वो अपने रूट से डीरूट हो जाते हैं, तो वो सर्वाइवल कंडीशंस उनको फेस करनी पड़ती हैं। तो पहला प्रिंसिपल क्या है कि साइज ऑफ द सिचुएशन, अपने इन्वायरमेंट को, अपने आप को और जिस एरिया में आप हैं उसके साथ अपने आप को आप टैली करें, अपने आप को एडजस्ट करें वहाँ पे, और सिचुएशन के साथ अपने आप को साइज अप करें। देन नेक्स्ट इज यू, अनड्यू हेस्ट मेक वेस्ट। कोई भी डिसीजन आपने हेस्ट में नहीं लेना। तसल्ली से आप गुम हुए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप कहीं किसी दूसरे यूनिवर्स में चले गए। पैनिक नहीं करना आपने। जिस जगह पे आप मौजूद हैं आपने अपने आप को वहाँ से फेमिलराइज करें, अपने आप को वहाँ पे इक्विपमेंट उसके साथ फेमिलराइज करें, और कोशिशें करें कि पैनिक ना हो आप। फियर किसी के आप में नहीं आना चाहिए। देन कम्स आर। आर स्टैंड फॉर रिमेंबर वेयर यू आर। अब आपके पास जब भी आप जाते हैं किसी भी ट्रैकिंग पे, हाइकिंग एक्सपीडिशन पे, तो आप अपने साथ अपने आप को एक प्रिपेयर करके जाते हैं। आप मैप बनाते हैं, मैप के ऊपर आप अपनी रूट को मार्क करते हैं। तो जब भी आप सर्वाइवल कंडीशन में कहीं रीट्रैक हो जाते हैं, तो सबसे पहले आप अपना मैप को निकालें और अपने आप को प्लेस करें मैप के ऊपर कि आप इस वक्त मौजूद किधर हैं। तो यू मस्ट नो दैट वेयर यू आर, क्योंकि आपने उधर ही से फिर अपने आपको दोबारा ट्रैक के ऊपर चढ़ाना लेके जाना। देन इज़ वी। वी स्टैंड फॉर वैंक्विश फियर। फियर या जो डर है ये आपके कंप्लीट प्लान को जिओपटाइज कर सकता है। अगर आप डर गए, जो कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया, तो आपने डरना नहीं है, आपने फियर को वैंक्विश करना है। एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करें, अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी स्ट्रेंथ को गेन करें, और उसके बाद आपने बग़ैर किसी खौफ, बिना किसी डर के आपने अगला प्लान बनाना है। क्योंकि अगर आपने डर में कोई एक्शन लिया, आपने हेस्ट पे कोई एक्शन लिया, तो वो आपके ऑटोमेटिकली उल्टा पड़ सकता है। देन इज आई। आई स्टैंड फॉर इम्प्रोवाइज। इम्प्रोवाइज का मतलब ये है कि आप सर्वाइवल कंडीशन, एग्जैक्टली यू आर अवे फ्रॉम द सिविलाइजेशन। अब आपको जो लोकल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपने लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है, आपने उसके अंदर रहते हुए यू नीड टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। देन कम इज वी। दिस वी स्टैंड फॉर वैल्यू लिविंग। बहुत सारे लोग एडवर्स कंडीशंस में गिव अप कर जाते हैं, दे लूज होप। और होता क्या है, जो कि विल ही ख़त्म हो जाए सर्वाइव करने की, तो हाउ कैन यू सर्वाइव। वैल्यू लिविंग, जब आप अपनी कदर करेंगे, अपनी लाइफ की कदर करेंगे, तो आपके अंदर वो विल और वो जज्बा पैदा होगा, जिसके तहत आप इतना सिर्फ सर्वाइव करेंगे और फिर इस सर्वाइवल कंडीशंस में रहते हुए
आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने की कोशिश। और इस तरह जब आपकी विल पावर भी स्ट्रांग होती है तो आपका दिमाग वो चीज़ें भी सोच लेता है या इम्प्रोवाइज कर लेता है जो आप प्रॉब्ली नॉर्मल हालात में ना कर पाए। देन वी कम विद ए, एक्ट इज नेटिव। आप ये देखें कि आप जिन हालात में हैं, अब यहाँ के जो लोकल लोग हैं या जो नेटिव्स हैं वो कैसा एक्ट करते हैं इनके हालात में, क्योंकि ज़ाहिर उनकी जो नॉलेज होती है ना वो बड़ी वो हार्डन नॉलेज होती है जो कि उन्होंने अपने बुज़ुर्गों से अपने इलाके के लोगों से सीखी होती है। ठीक है, तो आप उन्हीं नॉलेज के ऊपर बेस करते हुए आप एक्ट करें। पहाड़ी इलाके में लोग आपको पता है कैसे रहते हैं, लिबास क्या होता है, आपने एक्ट नेटिव्स की तरह करना है जो कि पहाड़ी इलाके के प्रोसीजर्स हैं मैदानी इलाके के प्रोसीजर से बहुत मुख्तलिफ हैं। तो आपने जो लोकल प्रोसीजर्स हैं उनको आपने अडॉप्ट करना है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिव ऑफ द लैंड एंड लर्न बेसिक स्किल्स। लर्न बेसिक स्किल्स मीन्स आपने जो सर्वाइवल की स्किल्स हैं वो सीखनी है, और सर्वाइवल की स्किल्स कुछ तो आपको खुद सिखा देंगे हालात, लेकिन बेहतर ये है कि आप जब भी किसी हाइकिंग ट्रैकिंग एक्सपीडिशन पे जाएं तो कुछ बेसिक सर्वाइवल स्किल्स को सीख के जाएं, क्योंकि जब आपको हालात और वाकयात सिखाएंगे चीज़ें तो वो बड़े मुश्किल से सिखाएंगे आपको। यू आर गोइंग टू लर्न इट थ्रू द हार्ड वे। इट्स जस्ट लाइक ए थ्योरी इज डिफरेंट एंड प्रैक्टिकल जो है वो आपका फर्क है। एग्जैक्टली, सो दिस इज व्हाट सर्वाइवल स्टैंड्स फॉर। जबरदस्त जी, आई थिंक इसी चीज को टेक फॉरवर्ड करते हुए जो है हम चलते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ। फर्स्ट स्टेप की तरफ जबरदस्त। डीप इनसाइड द जंगल, और मेरा ख्याल इधर से ही हम अपनी फिर ना सर्वाइवल स्किल्स की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। यप, काफ़ी हम डीप आ गए हैं, सो इट्स अ गुड एनवायरनमेंट फॉर द प्रैक्टिस इन सर्वाइवल स्किल्स। जंगल के प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें चूंकि पहाड़ होते हैं चारों तरफ और दरख्त हैं ऊँचे ऊँचे, तो अंधेरा बहुत जल्दी आ जाता है, तो लाइट आवर्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने जो कुछ भी करना है लाइट आवर्स के अंदर अंदर करना है, क्योंकि उसके बाद आपकी डिफ़िकल्टीज बढ़ जाती हैं। सर, जो हमारे स्टेप्स आपने बताए थे सर्वाइवल के, व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप दैट वी आर गोइंग फॉर? देखिए, सर्वाइवल के बेसिकली चार स्टेप्स हैं। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी तो ये होनी चाहिए कि आप या तो अपनी जो मेन टीम है उसके साथ लिंकअप करें, और या फिर अगर आप सोलो परफॉर्म कर रहे हैं तो आप जाएँ और अपने ट्रैक को दोबारा पकड़ें और उस ट्रैक को फॉलो करते हुए अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएँ। इनकेस आप अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचते और आप डी ट्रैक हो गए हैं, फिर स्टेप नंबर टू आएगा। राइट, स्टेप नंबर टू इज मेकिंग ए शेल्टर। हम शेल्टर बनाएंगे, उसके बाद स्टेप नंबर थ्री हमारा क्या है, उसमें हम अपने लिए पानी एज अ रिसोर्स हम ढूंढते हैं, और फोर्थ जो हमारा स्टेप होता है उसमें हम फूड का बंदोबस्त करते हैं। राइट, ये लॉजिकल सीक्वेंस में ये स्टेप्स होते हैं। अगर आप लेट से लिंकअप नहीं कर सके या डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँच सके, तो फिर आपने शेल्टर इसलिए बनाना है कि विदाउट ए शेल्टर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है पहाड़ी इलाके में सर्वाइव करना। हाँ। उसकी वजह यह है कि मौसम एडवर्स होता है, टेम्परेचर काफ़ी डाउन होता है, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी ऑलरेडी हो चुकी है। हाँ, तो अगर आप गीले हो जाते हैं तो उससे होता क्या है कि आपको हाइपोथर्मिया हो सकता है, आपको बीमार हो सकते हैं, बुखार हो सकता है, और आप सर्वाइवल आपको मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। नेक्स्ट स्टेप, जब आपके शेल्टर तैयार हो जाए तो आप पानी अपने लिए ढूंढते हैं। डिहाइड्रेट होने में आपको कम से कम 2 से 3 दिन लग जाते हैं, और स्पेशली इन हालात में जहाँ पे माउंटेनस टेरेन में इवन 3 to 4 days तक भी आप सर्वाइव कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर थ्री में आप क्या करते हैं कि अपने लिए आप पानी ढूंढते हैं पीने के लिए, और स्टेप नंबर फोर जो है वो है फूड। वाइज फूड इज स्टेप नंबर फोर, क्योंकि विदाउट फूड वी कैन सर्वाइव फॉर से 15 to 20 days, वी कैन सर्वाइव। सर, हम आज ऐसा कर सकते हैं कि फूड को पहले फ्यू स्टेप्स में रख लें, भूख बड़ी लग रही है। All right, जी, so on we go. Let's go, जी.
अच्छा, जैसा हमने डिस्कस किया ना कि हमारा फर्स्ट जो स्टेप होता है वो है लिंकअप। राइट। अब लिंकअप हमारा उतना ही अच्छा होगा जितनी हमने इसके लिए प्री प्लानिंग अच्छी की होगी। राइट। क्योंकि लिंकअप के लिए इट्स नॉट ओनली द प्रोसीजर आर टू बी अडॉप्टेड इन द सर्वाइवल एरिया, आपने पहले से वेल प्रिपेयर्ड होके आना है। क्योंकि इसके पहले स्टेप में आप क्या करते हैं कि अपने लिए कोई मैप लेते हैं, तो उसके बाद पूरी टीम को आप मैप के ऊपर अपने ब्रीफ करें कि जिस एरिया में आपने जाके ट्रैकिंग करनी है कि इस एरिया में हमने ट्रैकिंग करनी है, आपने उस एरिया के जितने प्रोमिनेंट यूटिलिटी एरियाज हैं, बाई यूटिलिटी एरिया आई मीन्स कि जितने भी उसमें रोड हैं, प्रोमिनेंट ट्रैक हैं, कोई बिल्टअप एरिया है, कोई हट्स वगैरह हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, या कोई वहाँ पे लट से कोई यूटिलिटी फैसिलिटीज़ लाइक फर्स्ट एड की फैसिलिटी है, कोई बेसिक हेल्थ यूनिट है वहाँ पे, इन तमाम चीज़ों को आप स्टडी करें, उनको मैप के ऊपर आइडेंटिफाई जो भी टच पॉइंट्स हैं एग्जैक्टली कि ये टच पॉइंट्स हैं। देखिए अब जिस तरह हम आ रहे थे तो हमने ये अभी एक ऊशू का हमने मैप मैंने गूगल से डाउनलोड किया था। अब इसमें देखें कि जितने आपके प्रोमिनेंट रोड्स हैं इस पर भी मार्क हैं, ऊशू फॉरेस्ट के ऊपर मार्क है, मेन जो दरिया गुजर हैं उसमें मार्क हैं, तो इससे हमें एक एडवांटेज मिल जाता है कि हम एरिया से फेमिलियराइज रहते हैं। अगर हम कहीं गुम भी जाते हैं तो हमें ओरिएंटेशन में आसानी रहती है, हम नेविगेट कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। सेकेंड टाइम इसमें जब आप ट्रैकिंग कर रहे होते हैं तो ट्रैकिंग में आपने वुल्फ पैक के जो प्रिंसिपल्स हैं ना उनको हमने फॉलो करना है। व्हाट द वुल्फ पैक डू के वुल्फ पैक में सबसे जो लीड कर होता है वो उनका पाथ फाइंडर होता है, जिसको रास्ते का मालूम होता है, इसने उसको लीड करना होता है, वो तकरीबन बाकी पैक से तकरीबन 100 meters अहेड मूव कर रहा है, स्काउट करेगा, बेसिकली स्काउट करता है, वो गाइड करता है, हर किस्म की नेविगेशन वही कर रहा होता है। उसके बाद नंबर टू पे लीडर आता है, लीडर के बाद आपके जो लोग हैवी जिनके पास सामान है, या लट से किसी को कोई चोट लग गई है, किसी का पाँव मुड़ गया है, सब प्रॉब्लम किसी को हो गया, या कोई बीमार है, या कोई वैसे एजड हैं और वो स्लो चलते हैं, तो लीडर के इमीजिएटली बाद वो टीम होगी। क्यों? कि लीडर ने पेस जो है टीम की उन लोगों के हिसाब से रखनी होगी, वो उसी स्पीड से वो चलेगा। उसके बाद जो रिलेटिवली फिजिकली फिट लोग होते हैं वो, और एंड में जो आपके जो टीम का नंबर टू होता है वो ये इंश्योर करता है कि मेरे पीछे कोई ना रह जाए, और वो भी एक एक्सपीरियंस ट्रैकर होता है जो कि इंश्योर करता है कि इसके पीछे कोई ना रह जाए और टीम को साथ इंटैक्ट लेके आगे ऊपर आए। अब लेट्स से इन केस यू आर लॉस्ट, अब आपने करना ये है कि यू आर लॉस्ट तो पहला काम नहीं करना कि आपने अपना पर्सनल मैप निकालना है, ठीक है, जैसा हमने सर्वाइवल के कंडीशन में पढ़ा था प्रिंसिपल्स में कि नो वेयर यू आर, वो यहाँ पे आएगा कि नो वेयर, सो नाउ वी नीड टू नो वेयर वी आर। अब इस मैप से हम नेविगेट करेंगे, नेविगेट करेंगे, आई बिलीव वी नीड कंपास इसके लिए, एग्जैक्टली, एंड वी हैव टू अलाइन आवरसेल्फ विद द नॉर्थ। तो ये मैप है, प्लीज टेक आउट योर कंपास, यस, और हम इस मैप को नॉर्थ के साथ अलाइन करेंगे। जब ये नॉर्थ के साथ अलाइन हो जाएगा तो उसके बाद हम ऑलराइट, सो सर ये नॉर्थ कोई लगभग बन रहा है, मैप के ऊपर रख दें इसको, ये अब नाउ दिस इज नॉर्थ, ठीक है, एग्जैक्टली। So if this is north, this is east, east, that is west, west and south is at the back side. Abhi aap compass utha lijiye. Ab dekhen, we are somewhere in the jungle. Ab ye dekhen, bada prominent track hai, jo ke Atroar road hai, aur ek road hamare east mein se guzar raha hai, jo ke Ushu road jisko kehte hain. Right. Theek hai. Ab hamare right pe bhi ek road ja raha hai, aur hamare left pe bhi ek road ja raha hai, aur hamare south mein ye dono road ज्वाइन कर। तो बेस्ट, अभी हम चूंकि गुम हो चुके हैं तो बेस्ट तरीका ये कि इंस्टेड हम ईस्ट और वेस्ट जाने के, वी गो टू द साउथ, और जब साउथ जाएंगे तो या हम ऊशू रोड को हिट कर लेंगे या हम उत्तर रोड को हिट कर लेंगे, हम कहीं गुम नहीं हो सकते, किसी न किसी एक मेन रोड को हम हिट कर लेंगे। सो नेविगेशन का वे फॉरवर्ड आगे ये है कि हम मतलब नीचे की तरफ जाना शुरू, एग्जैक्टली। If you're totally lost, आपको बिल्कुल डिसोरिएंटेड हो गए, आपको अभी डेस्टिनेशन का नहीं पता, टीम से आप डिसोरिएंटेड हो गए, अब इस केस में आपने कभी भी हाइट नहीं गेन कर, उसकी वजह यह है कि देखें जितने आप हाइट गेन करते हैं तो रिसोर्सेज कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, मेक सेंस, प्लांटेशन कम हो जाती है, दरख्त कम हो जाते हैं, जब प्लांटेशन अच्छा पानी वाटर स्प्रिंग्स वाटर वॉन्ट्स कम हो जाते हैं, अब जितना आप ऊपर जाते हैं जब ये रिसोर्सेज कम होते हैं आबादी कम होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जब आबादी कम होगी तो जाहिर है वहाँ पे रोड और ट्रैक्स भी इतने ही कम होंगे, तो ऊपर जाना इज टोटली ऑपोजिट ऑफ सर्वाइवल, एग्जैक्टली। और फिर जो सबसे बड़ी बात, देखें आप अगर 1000 meters ऊपर जाते हैं जितनी एनर्जी आप कंजर्व करते हैं उस
एनर्जी में आप हो सकता है 5 किलोमीटर नीचे ट्रैवल कर सकते हैं डाउन, ठीक है। और नीचे की तरफ जब जाते हैं तो देखें, अब जिस तरह अभी हम इस सुशु फॉरेस्ट में, यहाँ पे इस वक्त कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि इस एरिया में फॉरेस्ट है, यहाँ पे जानवर फिरते होंगे, ठीक है। तो हमने फर्स्ट स्टेप में घूमते फिरते हमने देखने के कोई हमें गोट ट्रैक या डियर ट्रैक मुख्तलिफ लोग कहते हैं, क्योंकि एक पतली सी पगडंडी होती है जिस पे जानवर आ रहे हैं। अब अगर आपको गोट ट्रैक या जिसको डियर ट्रैक भी कहते हैं वो मिल जाए, तो वो आपको लाजमन किसी न किसी वाटर पॉइंट पे या किसी न किसी बड़े ट्रैक तक ले जाएगा, जो फुट ट्रैक है जिसमें लोग चलते हैं उस ट्रैक तक ले जाएगा। जब आप फुट ट्रैक तक पहुंच जाते हैं तो फुट ट्रैक आप गोट ट्रैक को छोड़ के फुट ट्रैक को फॉलो करना शुरू करो, उसमें भी आपने डिसेंड करना है, असेंड नहीं करना, वही प्रिंसिपल के रिसोर्सेज कम होते हैं ऊपर की तरफ और आबादी भी कम होती है। तो जब आप फुट ट्रैक को फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो ज़ाहिर है वो फुट ट्रैक लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, पाँव फुट ट्रैक मीन्स पाँव के जो निशानात वाला जो ट्रैक है, तो वो या आपको किसी गांव में ले जाएगा, किसी वाटर पॉइंट पे ले जाएगा, किसी जीपेबल ट्रैक पे ले जाएगा, किसी डेस्टिनेशन पे आपको ले जाएगा। और इसी तरह आपने गो ट्रैक से फुट ट्रैक, फुट ट्रैक से चलते चलते आपने फिर जीपेबल ट्रैक, और जीपेबल ट्रैक आपको फर्दर इसी तरह किसी गाँव में, किसी कस्बे में या किसी बड़े मेन रोड पर ले जाएगा, और मेन रोड से आपने फिर इसी तरह डिसेंड करते हुए किसी कस्बे गांव वो आपको लिंक कर देगा। तो ये इस चेन को हमने फॉलो करना है कि गो ट्रैक टू फुट ट्रैक, फुट ट्रैक टू जीप ट्रैक, और जीप ट्रैक से मेन रोड। तो ये इस तरह हम इसको फॉलो करेंगे और हम किसी न किसी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएंगे। ऑन आवर वे टू समवेयर इन द मेड, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हमने यहाँ पे ना कोई अभी गो ट्रैक या फुट ट्रैक भी ढूंढना है, हाँ। उसको हमें वहाँ से फॉलो करना है। सो लेट्स मूव और फाइंड सम एज पर द मैप सर, जो इधर नेविगेशन शो रही है, तो आई थिंक प्रोबब्ली हम हाइट लूज करेंगे तो कुछ साउथ ईस्ट की तरफ मूव करेंगे हम। तो इफ दिस इज नॉर्थ, सो वी हैव टू गो टुवर्ड्स साउथ एंड ईस्ट, सो इस डायरेक्शन में हम मूव करेंगे और यहाँ पे हमें कोई ना कोई गो ट्रैक वो ट्रैक जो भी हमें पहले मिल जाए, एंड वी फॉलो दैट चैलेंज। लेट्स गो, और मैप को हम साथ रखेंगे ताकि हम ओरिएंटेड रहें एरिया के साथ। अच्छा, जो गो ट्रैक होते हैं ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते, मतलब आपको कुछ इसके आपको कहीं से फुटप्रिंट्स मिल जाएंगे वाइल्ड एनिमल्स के, मतलब हमें खास नज़र रखनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, और यहाँ आपको कहीं ना कहीं डंग, गोट की डंग या वाइल्ड एनिमल्स की डंग मिल जाएगी। एग्जैक्टली, वो आपको अब ये देखें, ये जो हम ट्रैक को फॉलो कर रहे हैं ना, दिस इंडिकेट्स कि यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स इस रूट को फॉलो कर रहे हैं। सो नाउ इट मींस हमारा जो फर्स्ट स्टेप है कि हमने गोट ट्रैक या डियर ट्रैक को हमने पकड़ लिया है। परफेक्ट, सो वी आर ऑन द गोट ट्रैक एंड लेट्स होप कि हमें अभी वॉकिंग ट्रैक जल्दी मिल जाए। हाँ, पूरा ये ट्रेल है डंक का जो फॉलो कर रहा है। Is it possible कि जब तक हमें गो ट्रैक से आगे मजीद जीप ट्रैक ना मिले, तो उसके दौरान जिस तरह अभी मौसम भी कुछ ठंडा हो रहा है, हवा चल रही है, तो उससे बचने के लिए भी क्या शेल्टर बनाया जा सकता है पहले? बिल्कुल, हम मौसम डेवलप हो रहा है, अब किसी भी बारिश स्टार्ट हो सकती है, राइट। सो व्हाट वी कैन डू कि हम कोई हाइड ग्राउंड देख के ना, ज़रा एक मुनासिब जगह देख के वहाँ से अपने लिए कोई शेल्टर के लिए जगह ढूंढ के वहाँ पर शेल्टर बना लेते हैं, क्योंकि बारिश किसी भी वक्त स्टार्ट हो सकती है, तो लेट्स मेक अ शेल्टर ताकि बारिश से बचा जा सके। परफेक्ट जी, लेट्स गो। चलिए, आई थिंक ये जगह मुनासिब है टेंट शेल्टर बनाने के लिए। ऑलराइट, क्योंकि जो बोल्डर्स होते हैं ये आपको सपोर्ट करते हैं बेसिकली स्ट्रॉन्ग विंड्स से, ठीक है। स्ट्रॉन्ग विंड्स आती हैं तो एक साइड आपका कवर होना चाहिए। दूसरा है कि जब ये वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ये पैक में अटैक करते हैं, तो आपकी बैक जब सिक्योर हो तो आप फ्रंट से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हमेशा जब भी आप शेल्टर बनाएं वाइल्डनेस में, इस चीज़ को अपने लाजमी रखना है कि एक साइड आपकी प्रोटेक्टेड हो,
दिस इज मस्ट वाइल्डनेस स्पेशली क्योंकि मल्टीपल यूजेस हैं इसके, विंड स्ट्रॉन्ग विंड है, पानी का फ्लो आता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, वाइल्ड एनिमल्स से आपको प्रोटेक्शन, आपकी बैग एक दफ़ा एक साइड आपकी ऑटोमेटिकली आपको पता है बाय डिफॉल्ट सेफ है। रूडी यू रूडी वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश आवर शेल्टर ओवर हियर, सो लेट्स मूव। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। जबरदस्त। पैराकॉर्ड लेके उसको चार पीसेज में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हमने चारों कॉर्नर्स इस रेनकोट के शेल्टर के तौर पर इसको यूज़ कर रहे हैं, तो हमने डिफरेंट दरख्तों से उनको बांधना है, तो इसलिए हमने चार डिफरेंट रोप्स बना के अभी चार डिफरेंट कॉर्नर से बांध के वी आर गोइंग टू टाई इट अप विद द ट्रीज। परफेक्ट, लेट्स गो। सक्सेसफुली सेट अप आवर शेल्टर, आई फील सो प्राउड। जबरदस्त। So what's next? So what next? We are going to collect water. All right. Nasser, रास्ते में एक हमने छोटा सा पानी का एक पॉन्ड क्रॉस किया था, सो आपने करना ऐसा कि टेक दिस वाटर बॉटल और आप उससे पानी लें ताकि हम अपने पानी की ज़रूरत को पूरी करें और कुकिंग के लिए भी पानी हमारे पास होना चाहिए। यू रश अप एंड गेट द वाटर फ्रॉम दैट प्लेस। ठीक है। और मीनवाइल सर, आई थिंक हम क्या सेट कर लेते हैं अपना, व्हाइल ही कलेक्ट्स वाटर, तो आई थिंक हम कुछ रेस्ट करके तो लकड़ी की भी तलाश कर लें, सिंस वी नीड टू कुक एज़ वेल। यस एग्जैक्टली, कुकिंग के लिए भी हमें लकड़ी की जरूरत होगी, कुछ लकड़ियां भी तलाश करनी पड़ेगी। तो कैंप को हम सामान रख लेते हैं कैंप के अंदर, एंड लेट्स गो फॉर द कलेक्शन ऑफ वुड। सो वी हैव सक्सेसफुली सेट अप दिस नाइस लिटिल शेल्टर, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, प्राउड फील कर रहा हूँ मैं इस लिटिल अचीवमेंट से। और अब हम कुछ लकड़ियों की तलाश करेंगे, निकलेंगे कुछ लकड़ियाँ ढूंढेंगे आग लगाने के लिए, कुछ हमें प्रॉपर स्पेसिफिक टाइप ऑफ लकड़ी चाहिए जो कि प्रॉपर आग लगा सके ताकि हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकें फिर आउट इन द वाइल्ड एंड यू आर वेटिंग इन द शेल्टर, जब तक आपको फॉर एग्जाम्पल अपना गोट ट्रैक से जीप ट्रैक नहीं मिलता तो तब तक आप शेल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से थोड़ा बचने के लिए। मेरी बैक साइड पर ये रॉक है, हमने स्पेसिफिकली इस पत्थर का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि हमारी जब आप शेल्टर बनाएं, सो दिस इज़ अनदर टिप, जब आप शेल्टर बनाएं तो बैक साइड अपनी कोई ऐसी ढूंढें कोई बोल्डर के सामने ताकि आपको बैक से एटलीस्ट कवर मिले, ताकि कोई वाइल्ड लाइफ पर अगर आ सके, कोई ठंडी हवा वगैरह के चलते, तो एक साइड यू नो दैट इट इज़ कवर्ड फॉर श्योर, विच इज़ अ वेरी गुड आइडिया, वो हमने किया है। एंड पानी की तलाश में भी हमारी टीम निकली हुई है, and that's what we are planning to do, and I'm taking a couple of minutes rest over here, aur uske baad main bhi nikal jaunga lakdi ki talash. aur ji, so hum lakdiyon ki talash mein nikal chuke hain, koi zyada khaas lakdi nahi chahiye, I think dry branches se hamara guzara ho jayega. What do you say sir? Dry branches are better jal jati, nothing special. तो ये सारे ड्राई वुड है तो ये जलेगी आसानी से, हमारी एफर्ट कम होगी। और जी, आई थिंक वी हैव इनफ वुड, फायर बेस तो बनाते हैं हम, क्योंकि देखिए जंगल में सबसे बड़ा इशू प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आग लगा के लोग नेग्लिजेंस से आग फैल जाती है और आग लग जाती है, तो फायर बेस बनाना वो भी बहुत ज़रूरी है ताकि फायर वहाँ से बाहर ना निकले और स्प्रेड ना हो जंगल में। सो बड़े रिस्पॉन्सिबली हमें exactly, के अंदर एग्जैक्टली आग लगानी होगी, इसको बाहर लगा देते हैं ताकि फायर यहाँ से आगे ना मूव करे। पत्थर हम ले थोड़े से और भी ले आते हैं, जगह का पहले जाहिर सेट कर लेते हैं और ये गीले हो चुके हैं इधर, इनको हमें यहाँ से निकाल रहे हैं, ये देखिए इसमें नमी है, डैम्प है, ये इसको आग नहीं लगेगी और ये जो लगी हुई आग है उसको भी ख़त्म करेगी, इसको हम साइड में कर देते हैं। ठीक है। Oh, Nasser is also here with the water. Okay, जी, so ये पानी का कोक है। ये पानी मिला हमें, this is the best we could find. This is muddy
and dirty. But we have means to purify it, don't worry. All right, perfect. So I think पानी को फिल्टर कर लें. इसको हम through gravity पास करेंगे इस छोटे ग्लास में. और उसका जो मीडियम होगा वो हम नॉर्मली जो बैंडेज होती है, जो हमारे पास फर्स्ट एड में बैंडेज यूज़ करते हैं, तो बैंडेज जो है वो पानी को अब्जॉर्ब करेगी और ग्रेविटी के थ्रू इसको ट्रांसफर करेगी. ऑलराइट, लेट्स ट्राई इट, लेट्स डू. ये भी हमने इसके अंदर इसको इंसर्ट किया है गंदे पानी में. ठीक है, तो पानी भी शदीद तरीन जो है ना वो है. ठीक है, और हमने अभी इसको सो लेट्स वेट, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा. बिल्कुल, बाकी हम जाके ना अभी फायर प्लेस को रेडी करते हैं. राइट, टिल द टाइम ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो, क्योंकि ये ग्रेविटी के थ्रू होता है तो ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम. 15-20 मिनट्स में ये हम एक ग्लास पानी साफ. पानी तो हमारा काफ़ी हद तक जमा हो गया है. यप, सर ग्रेविटी की वजह से सारा ये प्रोसेस चल रहा है और साथ मीडियम के तौर पे हम इसको बैंडेज यूज़ करें तो थोड़ा ये स्लो प्रोसेस है. आई थिंक वी लेट इट कंटिन्यू लाइक दिस. ये कम से कम हमें एक ग्लास तो पूरा चाहिए, हमें पूरा चाहिए. तब तक हम अपने फायर तैयार कर लेते हैं और फिर इस पानी को ले जाके हमने अपने फूड तैयार करेंगे. चैलेंज, start the fire. Okay, I'll get in the stuff. Now using that filtered water, very precious last few drops. Let's go. फेफड़े इतने बड़े कि हमें नहीं किए, फेफड़ा ही बाहर ना आ जाएगी. आई थिंक ये हमारी बड़ी बारबेक्यू स्टाइल स्मोकी नूडल्स बनेंगी. नया फ्लेवर ना हम इंट्रोड्यूस करा दें अपना. ये हो गया सर, ये स्मोकी नूडल्स. लेट मी ग्रैब द नूडल्स नाउ. हम नूडल्स कैरी कर रहे हैं, समवन इज नॉट कैरिंग फूड. तो आई हैव एक्चुअली सीन या और रादर आई हैव रेड एज वेल कि लोग जो है वो इंसेक्ट्स भी मतलब अगर आपको कुछ और अवेलेबल नहीं है तो रेडीमेड प्रोटीन है. बट नॉट ऑल इंसेक्ट्स, नॉट ऑल. देखिए इसमें कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वो होते हैं पॉइजनस. ठीक है, स्पेशली प्लांट्स में बहुत सारे पॉइजनस प्लांट्स होते हैं, इंसेक्ट्स में पॉइजनस होते हैं, फ्रूट्स में पॉइजनस होते हैं. अब हमारी जो बॉडी है उसका जो सबसे सेंसिटिव पार्ट है ना वो हमारे लिप्स का इनर साइड, इनर साइड है ये जन. दिस वन, दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट. राइट, सो अगर आपने कोई फूड है या कोई एक इंसेक्ट है उसको चेक ये कर रहा है कि ये पॉइजनस तो नहीं है, सो व्हाट वी कैन डू इज के यू कैन रब इट इन साइड ऑफ हर्स. अब ये सबसे सेंसिटिव पार्ट है. टीचिंग सो ये कहती है कि यू हैव टू वेट फॉर 24 आवर्स फॉर द रिएक्शन. राइट, बट अगर आप घंटे दो घंटे भी वेट कर रहे हैं और आपको कोई इस तरह सिम्टम्स नहीं मिलते, इट मींस के इट्स गुड टू गो. आप फिर उसको कर लें तो आप उसको एक्सेलेंट खा सकते हैं. बट ये ना दीज आर बेसिकली थंब रूल्स, इतने एक्यूरेट तो ये होते नहीं, बट ये कि यू गेट एन आइडिया. अंडर सर्वाइवल कंडीशंस यू कैन ईट. ओके,
तो उसको हम रजिस्टर भी कर लेते हैं जो ना स्मोकी नूडल, ताकि कोई और कंपनी इसको लॉन्च ना कर ले। ओके नाउ आई नीड अ स्पून एंड वी हैव अ स्पून वी हैव अ स्पून एक्सीलेंट खुद ही ठीक हो जाएगा। एंड लाइक आई सेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट परफेक्ट किस्म का आपको अमाउंट ऑफ पानी चाहिए, सूप चाहिए अपने नूडल्स में, और बड़ा परफेक्ट किस्म का टेक्सचर चाहिए जो कि बहुत सख्त भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नरम भी। ऑलराइट जी, आई थिंक नूडल्स आर गुड टू गो। ठीक है जी, गुड टू गो है जी सर। टेक्सचर लुक्स परफेक्टली फाइन, जस्ट द वे आई लाइक इट, सो आई होप यू लाइक इट एज वेल। बाकी मुझे बस ये है कि लेट्स वेट फॉर दीज नूडल्स टू कूल डाउन अ बिट, सिंस वी आर ऑन सर्वाइवल मोड। तो हमारे पास स्पून वगैरह तो नहीं है, ये हमारी चॉपस्टिक्स हैं, चॉपस्टिक्स नेचर की चॉपस्टिक्स, वो यूज करेंगे। टेस्ट गुड, जबरदस्त। मैंने आपको बताया है खास रेसिपी, हर कोई नहीं बना सकता। एग्जैक्टली, जो आग लगी ना, टू मेक नूडल्स गाइस, सारा कमाल आग में था बेसिकली, आपको मैंने देखा नहीं इसमें। Jabardast, excellent. Sir, I told you. Appreciated. Thank you. लेकिन कमाल जो था इसमें आग का भी बहुत। आग का तो सर। तो ले जी, noodles on survival mode. This is how it's done. रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, हमने जो आग लगाई है, हमें चाहिए कि हम इस आग को तसल्ली से बुझा दें ताकि किसी किस्म के जंगल की फायर का ये बायस ना बने। तो ये जो हमारे पानी हमने कलेक्ट किया था वो इसके ऊपर हम डालेंगे। आग काफ़ी हद तक बंद हो गई है और अभी जितने साइड पे हमने पत्थर रखे थे ये हम इसके ऊपर डैम कर देंगे, तो ये आग फैलेगी नहीं हम यहाँ से। We're going to take the bottles back. Food, हमने खा लिया है, पानी पी लिया है, वेदर भी बेहतर हो गया है, तो आई थिंक लेट्स क्लोज द कैंप और ट्राई टू फाइंड आवर डेस्टिनेशन। जी ट्रैक पहले फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जी वो ट्रैक तो ऑलरेडी हम पहुँच चुके, सॉरी फुट ट्रैक पर, तो इसी को फॉलो करते हैं। एंड आई बिलीव कि विद इन नेक्स्ट हाफ एन आवर इट इज़ गोइंग टू लीड अस टू सम जीप ट्रैक। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव। डिस्ट्रिक्ट ना इवेंचुअली हमें फुट ट्रैक तक ले जाएगा, लेकिन लेट्स सी। ओके सो हियर वी आर। दिस लुक्स लाइक दिस इज अ फुट ट्रैक। ये है जी फुट ट्रैक। ऑलराइट, अब ये देखें ऊपर से आ रहा है और मूविंग डाउन, सो लेट्स फॉलो द फुट ट्रैक। ऑलराइट चलें, लेट्स गो। हमें जो फुट ट्रैक है एक्चुअली हमें इट हैज लेड अस टू अ डेस्टिनेशन, सम डेस्टिनेशन। आई कांट बिलीव दिस, वाओ, इट एक्चुअली वर्क्ड। वू, ये दोस्त से पूछते हैं ना, ये हमें बताएंगे कलाम किस तरफ है। हाँ। से ये कलाम किस तरफ है यहाँ से? बस आगे थोड़ा आगे जाएंगे, सड़क ही सड़क पे सीधे यहाँ से सड़क, और फिर सड़क कितनी दूर है यहाँ से?
थोड़ा ही दूर है और फिर दाएं तरफ मुड़ जाएं। सीधा चलते जाएं, कलाम निकल कलाम निकल जाएंगे। बहुत शुक्रिया। We made it, it worked. हम उशू फॉरेस्ट में आए किसी और रास्ते से थे, बट एक्चुअली हम जो बेसिक्स ऑफ सर्वाइवल है उसको फॉलो करते करते हम सही रास्ते पे निकले, दूसरे रास्ते से, बट सही रास्ते पे टुवर्ड्स सिविलाइजेशन पहुंच गए। यस, और इसी तरह हमारा बेसिक्स ऑफ सर्वाइवल का एपिसोड अपने इख्तिताम को आता है। थैंक्स टू मिस्टर अनीस एंड हिज ग्रेट टीम। मैंने बहुत कुछ सीखा और उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट टाइम आप भी जब अपने फ्रेंड्स के साथ या अगर आप अकेले जा रहे हैं किसी ऐसे ट्रैक पर, किसी ऐसे ट्रिप पर जहाँ पर आपको ख़तरा है कि आप गुम हो सकते हैं, तो ये बेसिक्स ऑफ सर्वाइवल जो है इनको याद रख लेने में कोई हर्ज नहीं है। कभी कभार छोटी से छोटी चीज़ जो होती है वो आपकी जान बचा सकती है। दैट्स इट फॉर टुडे। आई एम आदमीर एंड दिस इज़ मैडवेंचर।